हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 13 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। लिस्ट वन में कुछ आइटम्स दिए हैं और लिस्ट टू में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो जस्ट वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आइटम है दैट इज एक्टिविटी, एंड सेकेंड आइटम इज इवेंट। तो हमारा किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क में हमारे बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम आप कह सकते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी हमारा एक ऑपरेशन है या जॉब है जो हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, विच इज क्लियरली कॉग्निजिबल, क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल, अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। और जो इवेंट है, जब कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, जब एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे और एक्टिविटी को एंड करोगे। तो जो कमेंसमेंट है या एंड है किसी भी एक्टिविटी का, उसे हम इवेंट बोलते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्टेज है जिसके लिए कोई टाइम या रिसोर्सेज नहीं चाहिए। ये एक तरीके से केवल माइलस्टोन इंडिकेट करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो यहां पर मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मान लेते हैं कि दिस इज द इवेंट, जब ये जो हमारी नोड है दिस इज एन इवेंट, जो कि ये मार्क कर रहा है कि यहां से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अब सपोज आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, सपोज आप फाउंडेशन में कंक्रीटिंग करना है, तो आपकी जो पहली एक्टिविटी है वो एक्टिविटी होगी एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। इसमें आप फाउंडेशन का एक्सकवेशन करेंगे, अर्थ एक्सकवेट करेंगे। तो जो एक्चुअल एक्सकवेशन वर्क है ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा जो कमेंसमेंट था वो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग थी, और जो एंड होगा इस एक्टिविटी का वो होगा कि हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारा एक्सकवेट हो गया है। तो फाउंडेशन इज एक्सकवेटेड, दिस इज एन इवेंट, जो कि ये मार्क कर रहा है कि जो हमारी एक्टिविटी थी फाउंडेशन को एक्सकवेट करने की, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये हमारा जो इवेंट है, दिस इज फाउंडेशन इज एक्सकवेटेड। ठीक है, तो ये तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारा एक माइलस्टोन था जो हमें अचीव करना था, और एक इंस्टेंटेनियस स्टेज थी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी एक्टिविटी यहां से खत्म हो गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इवेंट हमारा एक इंस्टेंटेनियस स्टेज हो जाएगा और एक्टिविटी हमारा एक रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट हो जाएगा। रिसोर्सेज में हमारी क्या आ सकती है, जैसे आप एक्सकवेशन कर रहे हैं फाउंडेशन का तो आपको अब मैन पावर लगेगी, आप अगर मशीनरी से करोगे तो आपकी मशीनरी लगेगी, और टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज ऑल एक्टिविटीज नीड्स टाइम फॉर देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं डमी। डमी मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डमी हमारा एक ऑपरेशन है, एक लिंक है जो हमारी एक्टिविटीज में इंटरडिपेंडेंसेस इंडिकेट करने के लिए, एक रिलेशनशिप में इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके लिए कोई टाइम या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है। तो डमी को आप कह सकते हैं इट इज अ रिसोर्सलेस एलिमेंट, जिसके लिए कोई भी मशीनरी, मैन पावर, टाइम कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, केवल डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में इंटरडिपेंडेंसी इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और जो हमारा फ्लोट है, इट इज एक्टिविटी स्पेयर टाइम, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। इसका मतलब है किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर हमारे पास कुछ फ्लोट है तो उस फ्लोट के टाइम में हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो। तो एक तरीके से ये हमारा एक्टिविटीज के लिए स्पेयर टाइम है, उस टाइम के बीच में हम अपनी एक्टिविटीज को के टाइम को वेरी कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, सो दैट इट कैन नॉट, डज नॉट अफेक्ट दी एक्चुअल प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ये चीज मैंने समराइज की हुई है, आप इसे पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और हमें इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है जब हम टनल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जब हम टनलिंग करते हैं तो देर आर वेरियस मैथड्स, तो उसमें जो हम यूज करते हैं वन ऑफ द मैथड दैट इज मैकेनिकल मैथड, उसमें हमारे टनल बोरिंग मैथड आता है जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं एंड रोड हेडर्स का यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारा जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस में है टनल बनाने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। तो जो मेथडोलॉजी आपको यूज़ करनी है टनलिंग टनल बनाने के लिए, टनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वी हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द साइट जियोलॉजी, हमारा जो रॉक का स्ट्रेटा है वो कैसा है, हमें कितनी साइज की साइज ऑफ टनल रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी क्या क्रॉस सेक्शन हमें बनाना है, तो ये सारी चीज़ों पर हम डिपेंड करता है कि हमारा किस मेथडोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना है टनल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जहाँ पे हार्ड रॉक होगा या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक लेआउट होगा, तो ये देखा गया था कुछ फॉरेन कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स में हमारा प्रैक्टिकल मेथड जो था वो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड था। तो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड एक तरीके से आप कह सकते हो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज की साइकिल जो होती है वो चलती रहती है, जब ये कॉन्टिन्यूस चलेगी तभी हमारा टनलिंग प्रोसेस होता रहेगा, इट विल बी कॉन्टिन्यूस स्टेज। तो कुछ हमारी स्टेजेस हैं ड्रिल एंड ब्लास्ट साइकिल में, तो ये साइकिल मैंने यहाँ पर दिखा रखी। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको टनल बनाना है प्रपोज्ड है वहाँ पे आपको सर्वे करना होगा, ठीक है, रिगार्डिंग द लेआउट एंड द अलाइनमेंट, किस अलाइनमेंट में हमें ले जाना है और उसी अकॉर्डिंग हम अपना शेप और मैथड डिसाइड करेंगे। अब अगर हम ड्रिल एंड ब्लास्ट मैथड पर जा रहे हैं तो उसका सबसे पहला मैथड होगा आपको ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। ड्रिलिंग क्या करनी है, विद दिस इज द मशीनरी जिसमें ये हमारी बोरिंग रॉड लगी हुई है एंड इससे हम बोर कर रहे हैं, और बोरिंग करने का पर्पस ये है बिकॉज वी हैव टू चार्ज इट विद एक्सप्लोजिव्स, हमें उन जो आपने होल ड्रिल करे रॉक के अंदर उसके अंदर आपको एक्सप्लोजिव रखने हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स फिल करके आपको उसको ब्लास्ट करना है, ठीक है, जिस प्रोसेस को आप ब्लास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग के बाद होगा क्या, आपकी बहुत सारी गैसेस जनरेट होंगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करना है उसी बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी ब्लास्टिंग हो जाएगी यानी तो होगा क्या, हमारा ये रप्चर हो जाएगा, कुछ रॉक हमारा रप्चर होके गिर जाएगा और कुछ रॉक हमारा लूज रॉक अटैच रहेगा। तो जो वो प्रोसेस है जिसमें हम ब्लास्टेड रॉक्स को रिमूव करते हैं और लूज रॉक की स्केलिंग करते हैं, यानी जो लूज रॉक हमारा इस पर लगा रह गया उसको मशीन से हम इसको गिरा लेते हैं वापस से, और जो भी हमारा मक होता है उसको हम लोड करके बाहर ले जाते हैं। दिस कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज मकिंग, ठीक है, जिसमें जो मक है, जो हमारा डेब्रीज है, जो रॉक की डेब्रीज है उसको हम मक बोलते हैं, दिस इज मक। तो इस मक को रिमूव करने के प्रोसेस को हम मकिंग बोल रहे हैं। इसको आप डिस्पोज ऑफ करोगे, उसके बाद आप बिकॉज आपने रॉक को डिस्टर्ब किया है तो अब आपको रॉक को स्टेबलाइज करना होगा, अदरवाइज इट विल कोलैप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी स्ट्रेसेस बढ़ेंगी। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ रॉक के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रेनफोर्स करना होगा। तो एक तरीके से आप इसमें क्या करोगे, रॉक सपोर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ स्टील रिब्स, ठीक है, आप ग्राउट्स करोगे, आप रॉक बोल्ट्स का इस्तेमाल करोगे विच इज नोन एज रॉक सपोर्टिंग आर स्टेबलाइजेशन ऑफ द रॉक। यहाँ पर एक्चुअल टनल्स दिखाई हुई हैं, जहाँ पर आपको ये दिख रही है ये हमारी जो लगी हैं दीज आर रिब्स, और ये हमारे जो लगे हुए हैं दीज आर द रॉक बोल्ट्स जो आपने ब्लास्ट करने के बाद आपने क्या किया है, उनको रेनफोर्स किया है टू स्टेबलाइज द रॉक स्ट्रेटा, ठीक है। ये हमारी ड्रिलिंग मशीन है जिसमें ये हमारा जो कटर है ये लगा हुआ है जो कि जो डायरेक्शन है, जो अलाइनमेंट है उस डायरेक्शन में हमारे होल्स करता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा होल्स करेंगे, उसके बाद हम चार्जिंग करेंगे। स्टेबलाइज करने के बाद हमारा ये प्रोसेस वापस से रिपीट करते हैं हम, ड्रिलिंग बोरिंग करके वापस से चार्ज एक्सप्लोजिव चार्ज करते हैं, देन ब्लास्ट करते हैं, मकिंग करते हैं वापस से। तो ये प्रोसेस हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो अगर देखेंगे ऑप्शन में तो ड्रिलिंग हो गई, ब्लास्टिंग हो गई, ब्लास्ट करने का मकिंग हो गई, स्टील रेनफोर्समेंट प्लेस किया आपने स्टेबलाइजेशन के लिए, उसके बाद आपने कंक्रीट कर दिया टू गिव द स्मूथ सरफेस।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। फॉर अ गिवन एक्टिविटी द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड द मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेट्स आर 5, 17 एंड 8 डेज। ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 5 डेज, यानी मिनिमम टाइम जो पॉसिबल है इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। जो हमारा पेसिमिस्टिक टाइम है, जो हमारा एडवर्स कंडीशन में जो हमें टाइम चाहिए होगा, मैक्सिमम टाइम चाहिए होगा, और जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो हमारा 8 डेज है। और हमसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, तो बिकॉज यहाँ 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं, तो वी विल फॉलो पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर 3 टाइम एस्टिमेट्स का वेटेड एवरेज से हम उस एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ 3 टाइम एस्टिमेट्स एज पर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाया हुआ है, जहां पर एक्टिविटी का जो टाइम है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में वेरी कर रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर वैल्यूज आप सब्सिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 9 डेज एज द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर दिस एक्टिविटी। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो आपके जो रेंज है यानी एक्सट्रीम टाइम एस्टिमेट्स है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 6, यानी इट विल गिव 2 डेज एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड अगर आपसे वेरियंस पूछा जाता है तो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 4 डेज। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज टैबुलेट की गई हैं ए बी सी डी, और ये एक्टिविटीज किस वीक में स्टार्ट हो रही हैं और किस वीक में ख़त्म हो रही हैं ये लिखा है। यानी ये एक्टिविटी ए जो है वो 9th वीक में स्टार्ट हो रही है और 16th वीक तक चल रही है, और हर वीक में हमें 6 रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये आप मैन पावर भी मान सकते हो या मशीनरी मान सकते हैं। हम क्वेश्चन की बेसिक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मान लेते हैं कि एक्टिविटी ए को पूरा करने के लिए हमें 6 मशीन्स चाहिए। मशीन्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप हाइड्रा मांग रहे हैं तो हाइड्रा हो सकता है, कुछ भी मशीन हो सकती है जो एक्टिविटी जिस टाइप की आपको परफॉर्म करनी है। इसी तरह एक्टिविटी बी है 11th वीक में स्टार्ट हो रही है और 20th वीक तक चल रही है, और उसके लिए हमें 4 मशीन्स चाहिए। इस तरह ये 4 एक्टिविटीज दी हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम टोटल रिसोर्स लोड किस वीक में सबसे ज़्यादा होगा। रिसोर्स लोड का मतलब है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स इन पर्टिकुलर वीक। लोड क्या मतलब है, सिंपली रिक्वायरमेंट, जो टोटल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कितना में रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर वीक में। तो इसके लिए कंसेप्ट आता है हमारा रिसोर्स लोडिंग डायग्राम, रिसोर्स हिस्टोग्राम, रिसोर्स प्रोफाइल या एस कर्व। उसमें करते क्या हैं, हम टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट में चल रहा है जब, तो ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमें कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ होंगी हमारी पैरेलल चल रही होंगी, तो वहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होगा। जैसे कि आपका 4th और 7th वीक में हमारी सी एक्टिविटी भी चल रही है और बी एक्टिविटी भी चल रही है, तो इस पीरियड में हमारा इन दोनों एक्टिविटीज़ के करस्पॉन्डिंग हमें रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, डिप्लॉय करने पड़ेंगे। इसी तरह आपको क्या करना होगा, तो ये जो हमारा डायग्राम है इसको आप बोलते हैं रिसोर्स हिस्टोग्राम या रिसोर्स लोडिंग डायग्राम, जिसमें ये हाईलाइट किया जाता है कि पीरियड बाय पीरियड हमें रिसोर्स यानी मैन पावर या मशीनरी कितनी चाहिए प्रोजेक्ट को शेड्यूल में कंप्लीट करने के लिए। तो पीरियड बाय पीरियड टोटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, क्यूमुलेटिव रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एस कर्व। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट हमें निकालनी है जो कि मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर वीक में चाहिए। तो यहाँ पर हम एज पर गिवन प्रॉब्लम हम यहाँ पर रिसोर्स लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, जिसमें एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के जो टाइम्स हैं वो बनाएंगे। तो जो जो टाइम यहाँ पर दिए हैं उनको सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर 9th वीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम आप दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये वीक्स में है, ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ पर हमारे रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं जो न्यूमेरिकल में दिए। तो ये हमारा रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर या मशीनरी, यानी कितनी मशीन चाहिए ये मान लेते हैं। तो एज पर
डाटा गिवन इन द न्यूमेरिकल, यहाँ पर आप कैलकुलेट दिखा देते हैं, 3 रिसोर्सेस, 4 रिसोर्सेस, 5 रिसोर्सेस, 6 रिसोर्सेस एंड 7 रिसोर्सेस, यानी 7 मशीन्स। और यहाँ पर आपने क्या किया, ये 0 है, यहाँ पर आपका 9th week है, यहाँ आपका 11th week है, यहाँ आपका 13th week है, यहाँ आपका 15th week है, यहाँ पर आपका 16th week है, यहाँ पर आपका 20th week है, यहाँ आपका 22th week है, यह आपका 24th week है। तो ये जो वीक्स दिए हुए हैं उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना लिया। अब आप देखेंगे कि 9th week से 16th week तक हमें 6 रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको सिंपली बार चार्ट के फॉर्म में दिखाना है 9th week से 16th week तक आपका 6 रिसोर्सेज चाहिए। तो वी विल ड्रॉ दिस, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये हमारा एक्टिविटी ए हो गई, जिसके लिए आपको 6 रिसोर्सेज चाहिए था 9th से लेके 16th week तक, मतलब हर वीक में हमें 6 रिसोर्सेज पर वीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 9th से लेके 16th week में हर वीक में हमें 6 मशीन्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक रिसोर्स लोडिंग डायग्राम बन गया इस एक्टिविटी के लिए। अब दूसरी एक्टिविटी है हमारी बी एक्टिविटी, जो कि 11th week से लेकर 20th week तक हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। तो 11th week से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 की रिक्वायरमेंट है, तो वी गो लाइक दिस, 11th से लेकर 20th तक यहाँ पर एक्टिविटी बी है, जिसके लिए हमारी रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है वो 4 पर वीक है। तो ये कांस्टेंट है, हर वीक के हिसाब से आप वीकली इसको डिप्लॉय कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी सी है, जिसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 7 रिसोर्सेज है पर वीक, और वो एक्टिविटी हमारी 13th week से स्टार्ट हो रही है, 13th week से लेके हमारी 24th week तक। तो ये पर वीक हमारी कांस्टेंट है, इसलिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी, सी में हमारी हो गई 7 रिसोर्सेस पर वीक। इसके बाद आते हैं हमारा जो डी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी आप देखोगे तो 13th से लेके 24th week था, ये एक्टिविटी डी थी, मैंने सी प्लॉट कर दिया। अब सी एक्टिविटी के लिए आप देखोगे तो 15th से लेके 22th एक्टिविटी के लिए 3 रिसोर्सेज चाहिए, तो 15 हमारा यहाँ पर है, 15 के लिए हमारे 3 रिसोर्सेज चाहिए, तो 3 के सामने आप गए, और दिस विल गो अप टू 22, दिस इज एक्टिविटी सी, जहाँ पर आपको 3 रिसोर्सेज पर वीक चाहिए। अब हमें किसी भी पर्टिकुलर वीक में जो मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो निकालनी है। तो आप देखोगे जहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज किसी भी पर्टिकुलर वीक में ओवरलैप कर रही होंगी, तो वहाँ पर हमें सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे हर एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग। तो आप अगर देखोगे जो ये पीरियड है, जितने पीरियड ऑफ इंटरवल्स है सभी में आप देखोगे, पहला देखोगे यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ हमारी एक्टिविटी ए है, 11th से लेकर 13th week में हमारी केवल 2 एक्टिविटीज़ हैं, 13th से 15th के बीच में हमारी ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, यहाँ पर 3 ही एक्टिविटीज़ है। लेकिन आप देखोगे 15th से 16th के बीच में हमारी एक्टिविटी सी भी है, एक्टिविटी बी भी है, एक्टिविटी ए भी हो रही है, एक्टिविटी डी भी हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये पीरियड हो गया जिसमें आपका चारों एक्टिविटीज के करस्पॉन्डिंग आपको रिसोर्स डिप्लॉय करने होंगे, तभी आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल पर पूरा होगा, अदरवाइज इट विल लीड टू डिले इन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर 15th से 16th week में अगर आप देखेंगे तो 15th to 16th week में आपकी रिक्वायरमेंट पहले सबसे 3 weeks है, 3 रिसोर्सेज पर वीक, तो हर ये हमारा 15 से 16 हमारा जो है ये 1 week है, और 1 week की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 3 रिसोर्सेज हो गए। यहाँ पर ये वाला 4 weeks हो गया, 4 रिसोर्सेज हो गए, यहाँ पर हमारा आया 6 रिसोर्सेज हो गए, उसके बाद हमारा डी आया उसमें 7 हो गए। तो इनको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 20 रिसोर्सेज, यानी 20 मशीन हमें 15th से 16th week में डिप्लॉय करनी होंगी, तभी हमारी चारों एक्टिविटीज पूरी होंगी इस वाले वीक में। अब अगर आपसे पूछा जाता तो हमारा ये जो होगा ये हमारा मैक्सिमम रिसोर्स लोड होगा, कि जब हमारी उस पर्टिकुलर वीक में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होंगी, तो यहाँ पे चारों एक्टिविटीज ही इस वीक में हो रही हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम रिसोर्स लोड हो गया। अब मिनिमम रिसोर्स लोड का मतलब ये है कि जो हमारा
मिनिमम रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में। तो आप देखोगे कि हमारा 9th से 11th वाले वीक में हमारा केवल एक एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपका 6 रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है। बाकी अब किसी भी ड्यूरेशन में आप देखोगे तो एक से ज्यादा एक्टिविटीज हमारी हो रही हैं। तो हमारा जो मिनिमम रिसोर्स लोड होगा वो हमारा 9th से लेके 11th वीक के बीच में होगा, ठीक है, जहां पर आपको पर वीक जो होंगे 6 रिसोर्सेस डिप्लॉय करने होंगे। तो यहां पर हमसे मैक्सिमम रिसोर्स लोड पूछा गया, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। यहां पर 3 एक्टिविटीज दी हैं और हमसे बोला जा रहा है कि ये पैरेलल में हो रही हैं। पैरेलल का मतलब है कि ये हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है तीनों, ठीक है, और तीनों की जो टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप है वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट की यहां दी हुई है। इसका मतलब एक्टिविटी ए में अगर हमारी 10 दिन में कंप्लीट होती है तो उसको 800 यूनिट यानी 800 रुपीज अगर मान लें 800 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमें इस एक्टिविटी को कम दिन में पूरा करना है तो हमें एडिशनल रिसोर्सेज लगेंगे जिसकी वजह से हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो आपको मैंने बताया भी था कि हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है जैसे जैसे आप ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कम करते जाएंगे तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज वहां पे आपको लेबर एंड मटेरियल आपको एक्स्ट्रा डिप्लॉय करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ेंगे टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी इन लेस टाइम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी फिजिबल रेंज क्या होगी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हमारी तीनों एक्टिविटीज एक साथ हो रही हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारी एक्टिविटी बी के लिए है। अगर ये हम मान लें कि 3 एक्टिविटीज हैं ए बी सी, जिसमें हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन आप बोल सकते हैं ये है 10 डेज 11 डेज 7 डेज। तो अगर हमारा नॉर्मल डेज में हमारी एक्टिविटी हो रही है तो हमारा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो होगा, तीनों एक्टिविटीज हमें टुगेदर लेनी है ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इन नॉर्मल ड्यूरेशन में पूरा करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा 800 प्लस 1200 प्लस 500। इनको आप ऐड करोगे 800 प्लस 1200 प्लस 500 तो यू विल गेट 2500 यूनिट्स, यानी 2500 रुपए लगेंगे अगर आपको तीनों एक्टिविटीज पैरेलल करनी है नॉर्मल ड्यूरेशन में। अब आते हैं कि यहां पर आपका एक तरीके से कह सकते हैं जो मैक्सिमम टाइम एस्टिमेट है यहां पर, तो वो गवर्न करेगा इन तीनों एक्टिविटीज यानी प्रोजेक्ट को। तो यहां पर जो एक्टिविटी बी है दिस इज द गवर्निंग एक्टिविटी जो कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, बिकॉज टाइम वाइज लॉन्गेस्ट जो टाइम लग रहा है वो बी के लॉन्ग लग रहा है तो वो आपको लेना है। तो 11 डेज में जब आपको कंप्लीट करना है तो हमारा नॉर्मली 2500 यूनिट्स लगेगा। अब अगर इस 11 डेज को 10 डेज में इन तीनों एक्टिविटीज को पूरा करना है, ठीक है, तो हमारा ए वाला तो ऑलरेडी 10 डेज में हो रहा था, बी को आपको 10 डेज वाले करना पड़ेगा, तो यहां पर ए 10 डेज वाला ही हो जाएगा, बी आपका 10 डेज में कंप्लीट करना है, सी हमारा 7 डेज, नॉर्मल ड्यूरेशन 7 डेज थी तो 7 डेज ही रहेगा बिकॉज उतना तो मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए। तो 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए हमारा एक्टिविटी ए के लिए 800 यूनिट्स लग रही थी, बी को 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए हमारा डायरेक्ट कॉस्ट लगेगा 1350 रुपए और सी एक्टिविटीज को हमारा 500, तो इसको आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 2600 550। अब आते हैं अगर आपको ये 9 डेज में पूरा करना है तो हमारा जो 10 डेज वाला था इसको आपको 9 डेज में पूरा करना होगा, बी को भी आपको 9 डेज में पूरा करना होगा, सी हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन में लगेगा, तो हमारा ए 9 के लिए जो टाइम में हो जाएगा वो हो जाएगा 900। अगर 9 डेज में आपको पूरा करना है तो आपको 900 यूनिट्स रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, उनकी कॉस्ट जो लगेगी वो 900 रुपए की लगेगी। एक्टिविटी बी जो है 9 डेज में अगर आपको पूरा करना है तो 1500 यूनिट्स लगानी पड़ेगी और सी हमारा बिकॉज 7 डेज तो चाहिए चाहिए सिर काम आप अभी कर नहीं रहे बिकॉज ये क्रिटिकल नहीं हुआ है तो ये हमारा 500 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2900। अब अगर आप इसे फर्दर कम टाइम में आप करना चाहते हो यानी 8 डेज में करना चाहते हो तो हमारा एक्टिविटी ए जो होगी 8 डेज हो जाएगी, बी 8 हो जाएगा, सी 7 ही रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो बी 8 इज नॉट पॉसिबल एज पर गिवन डाटा, वो हम 9 डेज तक ही इसको रिड्यूस कर रहे हैं और एक्टिविटी ए के लिए हमारा 1000 यूनिट्स हो जाएगा, तो
तो आपको बी के लिए आपको 9 days वाला ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उससे कम आप कर नहीं सकते हो, तो 1500 हो गया। तो एक तरीके से आप इसे ये कह सकते हो कि आप एक्टिविटी बी को 8 ड्यूरेशन में कर ही नहीं सकते हैं, इस वजह से यहां पे दिस इज इरेलेवेंट, बिकॉज यहां पर ये 9 days के लिए कॉस्टिंग थी, अब 8 days में हम कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि हम 8 days में के लिए हमारी जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है वो पॉसिबल नहीं होगी, हम केवल 9 days तक ही अपने प्रोजेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक्टिविटी बी के लिए मिनिमम टाइम तो आपको 9 days चाहिए ही चाहिए कंप्लीट होने के लिए, जो हम रिड्यूस कर सकते हैं, 9 days तक जा सकते हैं, हम 8 पे बी के लिए नहीं जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है कि आप एक्टिविटी बी को 9 days से नीचे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फिजिबल मैक्सिमम फिजिबल डायरेक्ट कॉस्ट होगा तीनों एक्टिविटीज अगर साथ हो रही हैं तो वो 2900 रुपये होगा, यानी 2500 से लेकर 2900 रुपये तक हमारी 11 days से 9 days में अगर हम प्रोजेक्ट को एक तरीके से कंप्लीट करना चाहें तीनों एक्टिविटीज को साथ लेके, तो हमारी ये रेंज 2500 से 2900 होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, इसमें हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउबल अक्रेंस टाइम दिया हुआ है डिफरेंट इवेंट्स का, और हमारा सिंगल टाइम एस्टिमेट भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालना है, ये मैंने बताया था इट इज अ टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, यानी जो समीशन ऑफ सिंगल टाइम एस्टिमेट है वो हमारा क्रिटिकल पाथ के लो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो क्रिटिकल होनी चाहिए, क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए डिफाइंड है कि हमारा जो स्लैक होना चाहिए इवेंट्स का वो हमारा मिनिमम या जीरो होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी स्लैक है, ये हमारा TL माइनस TE होगा, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे सभी का डिफरेंस जो है वो जीरो है, ठीक है, ऑल आर इवेंट्स हैविंग स्लैक जीरो, एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी इवेंट्स जो है वो सारे इवेंट्स क्रिटिकल हो रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग मिनिमम या जीरो स्लैक। तो अब आपको देखना होगा कि जो हमारा समीशन ऑफ टाइम एस्टिमेट है वो हमारा टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होना है, तो आप अगर इस पाथ के अलॉन्ग ऐड करोगे यहाँ पे 1+6+4+5+2 तो आपका आ जाएगा 18, बाकी किसी और पाथ के अलॉन्ग, इस पाथ के अलॉन्ग या इस पाथ के अलॉन्ग करोगे तो आपका दैट विल बी लेस देन 18, इसलिए हमारा जो टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ आ रहा है वो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो ध्यान रखना है आपको टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ लेके आपको निकालना है क्रिटिकल पाथ, अगर हमारा सभी क्रिटिकल इवेंट्स यानी क्रिटिकल जो हमारे इवेंट्स हैं उनके अलॉन्ग हमारा जो स्लैक है वो जीरो आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मैक्सिमम रिमपुल फर्स्ट गियर में जो अवेलेबल है ट्रैक्टर को टो करने के लिए ऑन अ प्लेन सरफेस वो 6300 है, 6300 kg है, ट्रैक्टर का जो वेट दिया है वो 12.5 tons दिया है, और इट इज ऑपरेटिंग अलोंग अ 2% अपग्रेड, यानी अप ग्रेडियंट जो है वो आपका 2% है, एंड द रोलिंग रेजिस्टेंस इज 40 kg per ton। इन सारे टर्म्स को मैं पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आपने देखिए आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में हमारा जो पुल अवेलेबल है लोड को पुल करने के लिए वो ट्रैक्टर में कितना अवेलेबल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने व्हील दिखाया है, ठीक है, ये हमारा राइजिंग ग्रेडियंट में बढ़ रहा है हमारा ट्रैक्टर मान लेते हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में प्लेन लेवल पर हमारा जो रिम पुल था वो 6300 केजी था, बट जब हमारा ग्रेडियंट में चल रहा है और हमारा सरफेस में जो रोलिंग रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है रोल करने की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये, और जो ग्रेड की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा जो इफेक्टिव पुल होगा अवेलेबल होगा एक्चुअल में टो करने के लिए इस लोड को, तो टोटल पुल लोड जो इफेक्टिव पुल लोड जो होगा दैट विल बी रिम पुल जो अवेलेबल है नॉर्मली माइनस टोटल रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस हमारा दो फॉर्म में है, एक हमारा रूलिंग रेजिस्टेंस है, एक हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस है। तो रूलिंग रेजिस्टेंस यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है 45 केजी पर टन ऑफ वेट, यानी जो हमारा वेट एक्ट कर रहा है W 12.5 टन्स है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 45 केजी इनटू 12.5, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 787.5 केजी। यानी इतना रेजिस्टेंस हमारा जब व्हीकल जो ट्रैक्टर के पहिए हैं जब वो रोल कर रहे हैं तो इतना रेजिस्टेंस हमारा डेवलप हो रहा है उसको अगेंस्ट द मूवमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। और जो ग्रेड रेजिस्टेंस है, ग्रेड रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1% अप ग्रेडियंट के लिए जो हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस निकाला गया है वो 9-10 केजी पर टन वेट ऑफ द व्हीकल फॉर 1% अप ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां पर 2% ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो 2% ग्रेडियंट के लिए हमारा जो ग्रेड रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 2 into, हम मान लेते हैं 9 केजी पर टन है पर टन ऑफ वेट ऑफ व्हीकल, तो हमारा 18 केजी पर टन वेट ऑफ द व्हीकल हो गया। तो पर टन यानी हमारा जो वेट है वो 12.5 केजी था टन था, तो मल्टीप्लाई होके आ गया आपका 225 केजी जो है वो हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस है जो कि इसके अप डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में लग रहा है बिकॉज यहाँ पे अपग्रेड है, यानी कि हमारा जो व्हीकल है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लोगे तो हमारा इफेक्टिव पुल जो अवेलेबल होगा ट्रैक्टर के लूप में लोड खींचने के लिए तो दैट विल बी गिवन बाई 6300 माइनस 787.5 केजी। इसको आप माइनस करोगे तो विल गेट 5512.5 केजी। तो यहाँ पे जो देखोगे आप नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन बी लेंगे। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किए थे रिम पुल का वो आप मेरे पुराने वीडियोस में जरूर देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनका मीनिंग हमें बताना है या उनका क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट साइट, ये हमारा साइट ऑर्डर बुक में करते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। यूज्ड वाइडली इन सिविल इंजीनियरिंग, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में यूज की जाती है जनरली। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से है, जहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलॉन्ग द हायरार्की हमारी जाती है नीचे की तरफ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर रहती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अथॉरिटी इज डेलीगेटेड डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन अनब्रोकन लाइन, देयर आर नो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, बोथ स्टाफ एंड लाइन फंक्शंस आर इंटीग्रेटेड इन द वर्क ऑफ लाइन यूनिट्स। ईच पर्सन, हर एक हायरार्की में जो बंदा अवेलेबल है वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा अपने खुद के सबॉर्डिनेट्स पर। लाइक द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एवरी वन एज मैनुफैक्चरिंग बिजनेस वुड बी कंसर्न डायरेक्टली विद क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दी फाइनेंशियल कस्टमर वैल्यूज। तो एक तरीके से ये जो जनरली स्ट्रक्चर है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमारा सिविल इंजन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में यूज किया जाता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि कई सारे जो एम्प्लॉयज हैं वर्कर्स हैं उनका एक सुपरवाइजर होगा वो उसको रिपोर्ट करेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड जनरली हमारा इट इज वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ये सारे लोग एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ईच एम्प्लॉई हैज ओनली वन बॉस, यानी इसका बॉस और इसका बॉस अलग अलग नहीं है, एक यूनिट में जो होंगे सारे लोग का बॉस जो सुपरवाइजर है वो एक होगा, वो उसको रिपोर्ट करेंगे। एंड सबॉर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर, इससे होगा क्या हमारा वर्क जो होगा वो एफिशिएंटली होता रहेगा एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन गिविंग द डायरेक्शंस। नेक्स्ट आइटम है वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो करेक्ट आंसर जहां पे ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट बैचिंग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी IS 456 के वीडियोज में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि वेट बैचिंग में
हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं उनको हम एक्यूरेटली बाय वेट ऑफ ईच मटेरियल एस्टिमेट करते हैं। जो हमारे कोर्स एग्रीगेट हैं, जो हमारे लाइट वेट, जो हमारे फाइन एग्रीगेट्स हैं, हमारी सीमेंट है, दे आर एस्टिमेटेड बाय द वेट ओनली इन ईच बैच ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है कि हमारा जो वेट बैचिंग होता है दैट इज मोर एक्यूरेट फॉर मेजरिंग द मटेरियल्स फॉर कंक्रीट देन वॉल्यूम बैचिंग सिंस इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली द रिस्क ऑफ वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट बैचेस। ठीक है, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप बाई वेट मेजर करना है दैट आर कोर्स एग्रीगेट, दैट आर सीमेंट एंड दैट इज सैंड आर फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, तो उससे होगा क्या, हमारी जो मिक्स की क्वालिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, प्रॉपर प्रपोर्शनिंग हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि ये जो हमारा बैचिंग प्लांट्स है यहाँ पर बाई वेट बैचिंग कर रहे हैं, दिस इज बाई वॉल्यूम बैचिंग, यहाँ पर हम इंग्रीडियंट्स को बाई वॉल्यूम मिक्स में डालते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं हमारा मैच द फॉलोइंग करने, यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं और हमें उनका बेसिक यूसेज बताना है कि वो कहाँ यूज किए जाते हैं। तो डेरिक हमारी जो है एक तरीके की क्रेन होती है जिसे हम स्टील बिल्डिंग्स, स्टील कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं फॉर द लिफ्टिंग पर्पस, फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स जो आपके स्टील के फैब्रिकेटेड मेंबर्स हैं उनको आपको लिफ्ट करके, जब हाई राइज बिल्डिंग्स आप बना रहे हो स्टील स्ट्रक्चर्स की तो वहां पर आपको इस क्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो डेरिक जो है इट इज अ लिफ्टिंग डिवाइस जो कि मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये डेरिक मास्ट है, यहाँ पे जो एंकरेज सिस्टम है जिसके बेस के रेस्पेक्ट में ये काम कर रही है और ये हमारी हॉइस्ट लाइन्स है। तो यहाँ पर तो ये आरसीसी वर्क में भी यूज कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, मोस्ट डेरिक्स हैव एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स, आइदर अ गाइड मास्ट और सेल्फ और सपोर्टिंग टावर एंड अ बूम हिंज दैट इट्स बिल्ट टू प्रोवाइड आर्टिकुलेशन एज इन स्टिफ लेग डेरिक। तो ये हमारा जो है दिस इज स्टिफ लेग डेरिक, इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इट कैन बी यूज इन, एक तरीके से कह सकते हैं इट कैन बी यूज इन द स्टील वर्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज क्लॉ हैमर। ये देखा होगा आपने, जनरली हम वुड वर्क में जब हमें नेल्स ड्राइव करनी होती हैं तो हम हैमर का यूज करते हैं एंड दिस इज नोन एज क्लॉ हैमर। तो जो ये शेप आ रहा है इसकी वजह से हम इसको क्लॉ हैमर बोल रहे हैं कि आप उससे वापस से अगर आपसे कोई कील ड्राइव करते समय बेंड हो गई है तो उसको आप इस क्लॉ वाले पोर्शन से निकाल भी सकते हैं। तो इट इज यूज फॉर द ड्राइविंग द नेल्स as well as pulling the nails from some other object and generally it is associated with woodwork but it is not limited to use with woodworks। हम और भी जगह यूज कर सकते हैं, केवल ये woodworks में लिमिटेड नहीं है बट इट इज जनरली यूज इन woodworking। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है चेन लेवाइस। चेन लेवाइस हमारा एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है कि जब हमारे स्टोन्स को लिफ्ट करना होता है बाई क्रेन तो हम करते क्या है, जो हमारे स्टोन्स हैं बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उनको प्रॉपर ओरिएंट करने के लिए हम इन चेन लिवाइस का यूज करते हैं जिससे हम उसको प्रॉपर पोजिशनिंग करते हैं सो दैट इट कैन बी लिफ्टेड प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ क्रेन। तो लिवाइस जो है इट इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ लिफ्टिंग डिवाइसेस यूज्ड बाय सम स्टोन मेसन्स। ठीक है, स्टोन मेसनरी में जो काम करते हैं वहां पे हम जनरली यूज करते हैं टू लिफ्ट लार्ज स्टोन्स इनटू प्लेस विद अ क्रेन, चेन ब्लॉक और विंच, दीज आर द लिफ्टिंग मैकेनिज्म जिसके लिए हम लिवाइस का यूज करते हैं कि हम प्रॉपर पोजिशनिंग करके स्टोन का क्रेन या चेन ब्लॉक या विंच की हेल्प से उसको शिफ्ट कर सके। इट इज इंसर्टेड इनटू स्पेशली प्रिपेयर्ड, एक होल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे उसको हमें फंसाना होगा और सीटिंग इन द टॉप ऑफ स्टोन प्रेफरेबली अबव इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है ड्रॉप हैमर। तो दिस वर्क ड्रॉप हैमर इज यूज इन द पाइलिंग वर्क, जब हमें पाइल को ड्राइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो क्रेन है उसमें आपको एंड में इम्पैक्ट एनर्जी देने के लिए हैमर लगाना होगा। तो हैमर जो है इट इज अ हैवी मेटल वेट दैट इज लिफ्टेड बाय अ हॉइस्ट लाइन, दिस इज अ हॉइस्ट लाइन देन रिलीज, इसमें क्या करेंगे रिलीज करेंगे, खींचेंगे, हॉइस्टिंग करेंगे एंड देन रिलीज करेंगे सो दैट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ वो इस पर इम्पैक्ट एनर्जी ट्रांसफर करेगा जिससे पाइल हमारी ड्राई होती जाएगी। जनरली जो इसका वेट है हमारा 250 kg से लेकर 1500 kg तक रहता है। ये LV का मतलब एक पाउंड है, 1 pound इज इक्वल टू 0.453 kg। तो स्टैंडर्ड ड्रॉप हैमर्स का वेट जो है ये होता है एंड इट इज यूज फॉर ड्राइविंग पाइल्स ऑन रिमोट प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड ओनली फ्यू पाइल्स फॉर विच टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड ड्रॉप हैमर जनरली हमारा 1 मिनट में 4 से 8 ब्लो हम कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर ड्रॉप हैमर पाइल फाउंडेशन हो जाएगा, चेन लेवेस हमारा स्टोन मेसनरी हो जाएगा, क्लॉ हैमर जो होगा वो उड़वर्क हो जाएगा, डेरिक हमारा स्टील वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह की वीडियो में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।